फिल्म मेकर और अभिनेता फरहान अख्तर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें हॉलीवुड फिल्म फोर्ड वर्सेस फरारी में शराब के गिलास को ब्लर करने को कहा गया है। अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा है, वह दिन दूर नहीं जब वे थिएटर्स में सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे। आखिर क्यों भारतीय वयस्कों को ऐसा अपराधी समझा जाता है जो अपने बारे में यह नहीं सोच सकते कि मेरे लिए क्या सही होगा और क्या गलत। कुओ तातयोन मारक। फरहान अख्तर का ट्वीट। यह है मामला। दरअसल एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि CBFC ने फिल्म में दिखाए गए शराब के गिलास और बोतलों को ब्लर करने को कहा है, साथ ही एक डायलॉग में इस्तेमाल हुए शब्द को म्यूट करने का निर्देश भी दिया है। फोर्ड वर्सेस फरारी। रिपोर्ट में एक अनजान स्टूडियो के हवाले से लिखा है, हम जानते हैं कि हमें बोतलों को ब्लर करना होगा क्योंकि उन पर ब्रांड का नाम लिखा है और CBFC इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन ऐसा पहली बार सुना है कि गिलास को ब्लर करना पड़ेगा। कमेटी कुछ कट्स के साथ प्रिंट वापस भेजने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यह परेशान करने वाला है। जेम्स मैनगोल्ड के डायरेक्शन में बनी फोर्ड वर्सेस फेरारी 15 नवंबर को रिलीज हो रही है। फोर्ड वर्सेस फरारी। यह पहला मौका नहीं है जब फरहान अख्तर ने CBFC पर नाराजगी जाहिर की है। जब बोर्ड ने शाहिद कपूर स्टारर उड़ता पंजाब में 99 कट्स लगाए थे, तब भी उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात की थी। फरहान ने उस वक्त कहा था, शक्ति का नशा सबसे खतरनाक होता है।